वरुणाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम नित्यानंदाय नमः, ओम तेजो रूपाय नमः, ओम भास्कराय नमः। भगवान सूर्य श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय सूर्यदेव, जय जय सूर्यदेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शाह से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, सूर्य देव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे हमारे उन बच्चों के लिए जो आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, तो कैसे करें बोर्ड एग्जाम की तैयारी, किन रेमेडीज को फॉलो करें, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारे बच्चों के बोर्ड के एग्जाम्स का समय नजदीक आता जा रहा है। यह समय न केवल हमारे बच्चों के लिए बल्कि हम माता पिता की परीक्षा का भी समय होता है। परीक्षा पास में आते ही हमारे जो विद्यार्थी बच्चे हैं उनको एग्जाम का भय सताने लगता है, डर सताने लगता है, मानसिक अवसाद होने लगता है, एंजाइटी हावी हो जाती है, निराशा, अवसाद और खुद पर आत्मविश्वास नहीं होने के कारण बार बार रोना आता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, चैप्टर याद नहीं होता है, किताब खुली है पर मन पढ़ाई में एकाग्रचित नहीं हो पाता है, देर रात तक नींद नहीं आना या मध्य रात्रि में नींद उचट जाना या बहुत ज़्यादा नींद आना, ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं। और कुछ बच्चों को तो एग्ज़ाम समय के अंदर इतनी नींद आती है कि माता पिता बेचारे बैठ के रोने लग जाते हैं कि ये क्या हो गया हमारे बच्चों को, सिर्फ सोते ही रहते हैं, पढ़ने का तो नाम ही नहीं लेते हैं। आप जानते हैं ये सब क्या है? ये सब एग्जामिनेशन के, परीक्षा के भय के लक्षण हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब क्या है? ये सब परीक्षा के भय के लक्षण हैं। हमारे प्यारे बच्चों, परीक्षा पढ़ाई का केवल एक मापक है, विद्यार्थी के ज्ञान का आकलन मात्र है, व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव या लाभ हानि इसके द्वारा निर्धारित नहीं होते हैं। जो दसवीं फेल है वो भी जीवन में एक सफल व्यक्ति बने हैं। ऐसा नहीं है कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं कर पाए हों वो जीवन के अंदर विफल हो गए हों, सक्सेस पर्सनैलिटी नहीं बने हो। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी लेकिन जीवन में उच्चतम मुकाम को हासिल किया। तो इसलिए कभी भी परीक्षा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। डजंट मैटर कितने नंबर आ रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। पुट योर 100% एफर्ट्स, रेस्ट लीव ऑन द गॉड, भगवान पे छोड़ दीजिए, अपनी मेहनत पूरी करो। और आप पेरेंट्स से भी निवेदन है कि बच्चों से जरूरत से ज़्यादा आशा आपको नहीं लगानी है। किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए कुछ सूत्र होते हैं, इन सूत्रों को जान लेने, समझ लेने और उनके उपयोग करने से अच्छी सफलता सहजता से प्राप्त हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं फार्मूलाज। वो फार्मूलाज को समझ लो, जान लो, उपयोग करो, निश्चित तौर पे पेपर इतना सरलता से हल होता चला जाएगा कि आपको लगेगा कि मेरा तो सब कुछ पड़ा हुआ है। जैसे सोने को आग में तपाकर उसके असली अथवा नकली होने का प्रमाण प्राप्त किया जाता है, वैसे ही प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षा रूपी आग में तपकर अपने खरे होने का प्रमाण देना पड़ता है। एक अच्छा और सच्चा विद्यार्थी कौन है? जो बगैर किसी भय के, हौसले के साथ, पॉजिटिविटी के साथ एक वीर सिपाही की तरह परीक्षा रूपी युद्ध का सामना करता है, वो एक अच्छा विद्यार्थी कहलाता है। और जो डर जाते हैं वो रणछोड़ बन जाते हैं। हमेशा अच्छी और सच्ची विजय की कामना करनी चाहिए। बी पॉजिटिव। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है।
किसी भी कंपटीशन में एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त करने के लिए। यस यू कैन डू, यू हैव टू डू, तुम कर सकते हो और तुम्हें करना है। इस फलसफे को अपने जीवन का गुरु मंत्र मान लीजिए। तो क्या आप या आपके बच्चे फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम शुरू होने से पहले एग्जामिनेशन फीवर से पीड़ित हैं, परीक्षा के बुखार से पीड़ित हैं? क्या बोर्ड एग्जाम के पास में आते ही हमारे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है? क्या याद किया हुआ आप भूल जा रहे हैं? क्या बोर्ड एग्जाम के नाम से उल्टी, दस्त शुरू हो गए हैं, पेट में दर्द शुरू हो गया है? तो बगैर भय के कैसे करें परीक्षा की तैयारी? ऐसा क्या जतन करें जिससे मेहनत के साथ भाग्य का भी साथ मिले? तो आइए आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में जानते हैं बोर्ड की परीक्षा में 100% सफलता दिलाने वाले कुछ सरल से उपाय। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की जानकारी किसी और चैनल पर नहीं दी जाती है। आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में आपके पसंदीदा चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल में ही दी जाती है। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, उनके एग्जाम के साथ साथ माता पिता का भी एग्जाम होता है। बच्चे रात भर जगते हैं तो माता पिता भी रात भर जगते हैं। तो क्या करें ऐसे कि हमारे बच्चों की एंजाइटी खत्म हो और वो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो? कागज कलम लीजिए, लिखते जाइए, समझते जाइए। यदि आपके बच्चों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो पढ़ने में अरुचि पैदा हो जाती है। तो क्या करें महाराज? एक कांसे का बाटका लीजिएगा, कांसे का बाटका, कांसे की कटोरी, कांसे के बाटके में सरसों का तेल भर दीजिएगा, उसमें अपने बच्चों के चेहरे की परछाई डालिएगा। कांसे के बाटके में सरसों का तेल, उसमें चेहरे की परछाई डालनी है और फिर उस तेल को एक मिट्टी के दीपक में ट्रांसफर कर दीजिएगा। कांसे की कटोरी में तेल भरना, उसमें चेहरे की परछाई डालनी, फिर उस तेल को एक मिट्टी के दीपक में ट्रांसफर कर देना। रुई की लंबी बत्ती बनाकर उस दीपक में डाल दें और बत्ती का जो ज्योत का जो मुख रहेगा वो घर की पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा, और उसके सामने बैठ के हनुमान चालीसा या ओम शम शनेश्वराय नमः, ओम शम शनेश्वराय नमः मंत्र का 15 मिनट तक जाप कर लें। ये रेमेडी जो है एग्जाम से एक दिन पहले करनी है, और मंगलवार शनिवार को तो करनी है। और जब भी एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम मान लीजिए कल एग्जाम है, तो आज करें, या सुबह अगर एग्जाम में जा रहे हैं तो उससे पहले ये रेमेडी करके जाएं। निश्चित तौर पे पढ़ा हुआ याद रहेगा और वो ही क्वेश्चंस आएंगे जो हमें याद थे। करके देखिएगा और फिर बाद में फोन करिएगा, ठीक है? दूसरा, लोहे का छल्ला बच्चों को मध्यमा उंगली में धारण करा दीजिए। छल्ला ऐसा हो जो खुला हुआ नहीं हो, पूरा बंद हो, ऐसा लोहे का छल्ला शनिवार के दिन मध्यमा उंगली के अंदर बच्चों को धारण करा दीजिए। निश्चित तौर पे शनि के 7.5 ढैया के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। और उसको पहनने का एक छोटा सा तरीका है, वो भी बता देता हूँ। 7 तरह के अनाज ले लेना, साबुत लाल मिर्ची ले लेना, तिल्ली का तेल ले लेना और काले तिल ले लेना। एक परात में 7 तरह के अनाज, काले तिल, तिल्ली का तेल और साबुत लाल मिर्ची, ये सब डाल देना और छल्ला भी डाल देना। 15 मिनट तक गायत्री मंत्र का जाप करके ऐसे अनाज के साथ छल्ले को मसलते जाना। फिर छल्ला निकाल के कच्चे दूध में, गंगा जल में शुद्ध करके अगरबत्ती का वास करके धारण कर लेना, और वो जो अनाज है वो काले कपड़े में या काली थैली में डाल के शनि मंदिर के बाहर रखवा देना, या उसको पीपल के पेड़ के नीचे रखवा देना। शनिवार को सूर्यास्त से 15 मिनट पहले आपको उपाय करना है। इस विधि से आपको छल्ला पहनना है। मन को एकाग्रचित करने के लिए प्राणायाम अत्यंत प्रभावशाली है। परीक्षाओं के समय 5 से 10 बार कम से कम अपने आप पेपर शुरू कर रहे हैं तो करना कुछ नहीं, प्राणायाम आप समझ गए होंगे। प्राणायाम जैसे अपन जो अलोम विलोम करते हैं, प्राणायाम आपको करना है। 5 से 10 बार अपने पढ़ने के स्थान पर प्राणायाम कर सकते हैं, और डेली करो तो बहुत अच्छी बात। उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ती है। माता पिता को चाहिए कि बच्चों के नाम से बुधवार को गणेश जी महाराज को लड्डुओं का भोग लगाए, 3 पत्ती की 11 दुर्वा गणेश जी महाराज को अर्पण करनी है, और फिर वो दुर्वा, 3 पत्ती की 11 दुर्वा गणेश जी महाराज को अर्पण करनी है और बच्चों के ड्राइंग बॉक्स के अंदर रख देनी है।
और बच्चे जब लिखना शुरू करे उस पेपर के अंदर, तो वो दुर्वा उठाई मस्तक पे लगाया और फिर लिखना शुरू करे, आप देखिएगा मतलब भूला हुआ भी याद आ जाएगा और याद किया हुआ तो याद रहेगा ही रहेगा। इतना सरल उपाय है, करके देखिएगा। परीक्षा शुरू होने से पहले, बोर्ड एग्जाम शुरू होने से पहले बच्चों के वजन के बराबर गुड़ का दान करना है गौशाला में। गौ माता को वजन के बराबर गुड़ खिलाना है और आते समय जो है वहाँ से गौशाला से आए तो गौ चरणों की रज यानी गौ माता के चरणों की मिट्टी साथ में ले आइएगा। मिट्टी का तिलक लगाकर वो एग्जामिनेशन में जाएं, निश्चित तौर पर 100% एग्जामिनेशन के अंदर आप अच्छे नंबरों से पास होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर आएंगे। पढ़ते समय जो अपना मुख है वो पूरब दिशा की तरफ रखना या उत्तर दिशा की तरफ रखना, कभी भी दक्षिण या पश्चिम देखते हुए पढ़ाई नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखिए। या तो पूरब देखें या उत्तर देखें या ईशान की तरफ देखें, इससे क्या होगा कंसंट्रेशन में वृद्धि रहेगी। सोते समय बच्चों का जो बेडरूम है उसमें उनका जो स्लीपिंग डायरेक्शन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ने वाले बच्चों का जो सिर है वो पूरब दिशा में होना चाहिए, पांव पश्चिम दिशा में रहना चाहिए, इससे कंसंट्रेशन में वृद्धि होती है, गहरी नींद भी आती है और प्रातःकाल ताज़ा ऊर्जावान महसूस करते हैं। पढ़ने वाले बच्चों का जो सिर है वो पश्चिम में नहीं हो, दक्षिण में नहीं हो और उत्तर में नहीं हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर दक्षिण में सिर है तो बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगेगा, दूसरी बातों में मन लगेगा, और पश्चिम में सिर है तो उच्चाटन बना रहेगा, याद किया हुआ भी भूल जाएंगे। परीक्षा के समय परीक्षा की तैयारी तो करनी है, कितने अंक प्राप्त होंगे इस पे विचार नहीं करना है कि 100 में से 90 नंबर आ जाएंगे, 80 आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, ये नहीं, क्योंकि फल की आसक्ति मनुष्य को कमजोर बनाती है। और दूसरा, यदि आने वाले अंकों पर विचार करेंगे तो उससे अंकों में बढ़ोतरी तो होने होगी नहीं, बल्कि सोच के कारण मन न लगने से अंक अवश्य कम हो जाएंगे। अतः सदा याद रखें कि हमें पढ़ाई के ऊपर ही ध्यान देना है, मेहनत करनी है। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करो। देखिए आजकल क्या हो गया है कि बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं और सुबह 12-1 बजे तक सोते रहते हैं। ध्यान रखिए ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं, आप चाहे 10 बजे सो जाओ, 11 बजे सो जाओ, लेकिन सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाओ। सुबह का याद किया हुआ हमेशा अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन करने से विषय का ध्यान, चैप्टर जो है वो लंबे समय तक विद्यार्थियों के जहन में ताज़ा रहता है। इसलिए संभव हो तो देर रात तक पढ़ाई करने की बजाय ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करें, निश्चित तौर पे एग्जामिनेशन में पढ़ा हुआ याद रहेगा। एक ब्राह्मी बूटी आती है, उसको गले में धारण करें या उसका सेवन करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, एकाग्रता आती है। और ध्यान रखें जब आपका सूर्य स्वर यानी दायां स्वर चल रहा, नासिका चल रही हो, आप चेक कर सकते हैं अपने नाक के आगे ऐसे उंगली लगा के कि कौन सा स्वर चल रहा है। तो जब आपका सूर्य स्वर यानी दायां स्वर नासिका चल रही हो तब कठिन विषय का अध्ययन करें, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ऐसे शास्त्र कहते हैं। जहां पढ़ते हो उस कमरे में हरे रंग के पर्दे, बेडशीट, टेबल कवर इत्यादि का इस्तेमाल करें, मन को शांति मिलती है, कंसंट्रेशन में वृद्धि आती है। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें याद तो सब होता है, जैसे ही पेपर में बैठते हैं भूल जाते हैं, आंसर ही भूल जाते हैं। तो अपने पास कपूर और फिटकरी का टुकड़ा रखें, उससे नेगेटिव एनर्जी कट होती है, याद करावा याद रहता है, भूला नहीं जाता है। आपके जो हार्ड सब्जेक्ट हैं जो आपको नहीं समझ में आते हैं, ऐसे जो किताबें हैं उनके अंदर गुरुवार को मोर पंखी रखें। जो भी पाठ आपको याद करना है एक रात पहले मोर पंखी रखें, पाठ को पढ़ने से पहले मोर पंखी को मस्तक पे लगाएं, पूरा चैप्टर पढ़ो याद करो और फिर मोर पंखी को वापस मस्तक पे लगा के उस चैप्टर के अंदर रख दो। वो चैप्टर
एग्जामिनेशन में तो छोड़ो, 80 साल के हो जाओगे तब तक नहीं भूलोगे, इतना याद रहेगा आपको। स्वर शास्त्र के अनुसार जो स्वर चल रहा हो, जैसे मैंने कहा नाक पे आपको ऐसे हाथ रख के देखना है कि कौन सी नासिका में से जो है वो सांस आ रही है, उसको स्वर बोलते हैं। परीक्षा के लिए जाते समय वही पांव, अगर दायां चल रहा है सर तो दायां पांव, बायां चल रहा है तो बायां पांव, तो परीक्षा के लिए जाते समय वही पांव घर से निकाले जो स्वर चल रहा हो। और ये चीज़ आपको आपका जो परीक्षा कक्ष है, एग्जामिनेशन रूम है, उसमें प्रवेश करते समय भी ध्यान रखना है कि आपका पहला कदम वही होना चाहिए जो स्वर चल रहा है, अनुकूलता सिद्ध होगी, सफलता मिलेगी। कोने में विद्यार्थी को बैठने से बचना चाहिए, विशेष रूप से दीवार की ओर मुख करके बैठने से विद्यार्थी की प्रतिभा प्रकट नहीं होती है। बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें कानों को ढकने की आदत होती है, इतने बड़े बड़े बाल होते हैं कि कान ढक जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी भ्रमित होते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं, पढ़ाई में मन भटक जाता है। एग्जामिनेशन से पहले बाल छोटे कराओ, हेयर कट ले लीजिएगा, और कान पे बाल नहीं हो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पढ़ने वाले बच्चों को अपने स्टडी रूम में पूर्व दिशा में सरस्वती देवी का चित्र अवश्य लगाना चाहिए। अध्ययन कक्ष की मेज पर खेलने का सामान जैसे शतरंज, ताश इत्यादि नहीं होने चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों को सफलता प्राप्त करने के लिए अपने स्टडी रूम के द्वार पर नीम की डाली अवश्य लगानी चाहिए। प्रतिदिन नई नीम की डाली लगाइए, उससे उनके कमरे में शुद्ध हवा आती है, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है। ध्यान रखें, खाते पीते हुए कभी भी पढ़ाई नहीं करनी है, न तो ढंग से खा पाओगे न पढ़ पाओगे। जब खाना खा रहे हो तो खाना खाओ, पढ़ रहे हो तो पढ़ो, खाते खाते पढ़ रहे ऐसी कोई वो आवश्यकता नहीं है। ज्ञान भी नष्ट होता है, आयु भी नष्ट होती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं खाना और पढ़ना दोनों साथ साथ नहीं करना चाहिए। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा हुआ है, जो मनुष्य झूठे मुंह खाना खाता है, पढ़ता है, झूठे मुंह इधर उधर उठकर जाता है, यमराज उसकी आयु कम कर देते हैं। बच्चों पे भी दुष्प्रभाव पड़ता है, पढ़ाई करने से जो पढ़ते हैं लंबे समय तक याद नहीं रहता है, इसलिए कभी भी खाना खाते समय पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। स्टडी रूम एक ऐसा स्थान है जहां पर व्यक्ति ज्ञान बुद्धि के साथ पढ़ने के शौक को पूरा करता है। इस कक्ष का वास्तविक क्षेत्र भवन के उत्तर पूर्व में होना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों का जो स्टडी रूम है ये हमेशा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। अगर ये साउथ ईस्ट कॉर्नर में है तो बच्चों के अंदर एग्रेसिवनेस आएगी, नॉर्थ वेस्ट के अंदर बना हुआ है तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, उच्चाटन रहेगा, और साउथ वेस्ट में है तो बातों मन जो है दूसरी बातों में ज़्यादा लगेगा। तो बच्चों का पढ़ने का कमरा हमेशा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए, पूर्व या उत्तर दिशा में या उसके कोने में होना चाहिए, तभी जाके बच्चों की कंसंट्रेशन में वृद्धि होती है। दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण, वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम, और आग्नेय कोण, ये बच्चों के पढ़ने के लिए उत्तम स्थान नहीं बताए गए हैं। तो उत्तर पश्चिम दिशा के बड़े विभाग में भी बच्चों को कभी अध्ययन नहीं करना चाहिए, घर से भागने की प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो कभी भी बच्चों को अगर पढ़ना हो तो घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वहाँ बैठ के पढ़ाई करें, ज़्यादा अच्छी रहेगी। पढ़ते समय विद्यार्थियों को सदैव पूर्व, उत्तर या ईशान कोण की तरफ मुख करके बैठना चाहिए, इससे विलक्षण प्रतिभा का बच्चा जो है वो धनी और ज्ञानवान बनता है। दिशा मानव की दशा को बदल देती है, पूर्व से सूर्य भगवान की एनर्जी आती है, उत्तर से लक्ष्मी कुबेर गणेश जी की एनर्जी आती है, इसलिए पढ़ते समय या तो पूरब में सिर रखें या उत्तर में सिर रखें, पश्चिम में सिर फेस नहीं करना है और दक्षिण में फेस नहीं करना है। जो पूर्व दिशा में पढ़ते हों बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अफसर तक बन सकते हैं। पूर्व दिशा लिखने पढ़ने के लिए सर्वोत्तम दिशा मानी गई है। उत्तर पूर्व में जो बच्चे सोते हैं, पढ़ते हैं, सेहत भी अच्छी रहती है। उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बने कमरे में दक्षिण या पश्चिम की ठोस दीवार के सहारे बैठकर पढ़ने से सफलता मिलती है। यानी मैं अगर बैठा हूँ तो साउथ में मेरी पीठ है तो उत्तर में मेरा फेस हो गया,
या मैं वेस्ट में पीठ है तो ईस्ट में मेरा फेस हो गया। स्टडी रूम में उत्तर पूर्व की दीवार पर रोशनदान या खिड़की जरूर होनी चाहिए ताकि सुबह सुबह सूर्य की पॉजिटिविटी अंदर आए, सूर्य की किरणें अंदर आए, तो उससे जो है कमरे की नेगेटिविटी खत्म होती है और बच्चों में पॉजिटिविटी डेवलप होती है। आग्नेय कोण जैसा मैंने पहले कहा, साउथ ईस्ट कॉर्नर जो होता है वहाँ पर बच्चों का कमरा का साउथ ईस्ट कॉर्नर में भी नहीं और घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर दोनों में ही बैठकर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे साउथ ईस्ट कॉर्नर में बैठ के पढ़ रहे हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं, सफलता प्राप्त नहीं हो, पढ़ाई हो, दफ्तर हो, पीठ के पीछे खिड़की शुभ नहीं मानी जाती है। अगर आपके ऑफिस में या आपके पढ़ने के कमरे में पीठ के पीछे खिड़की है तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, नौकरी छूट जाती है। पीठ पीछे या कंधे पर रोशनी का आना, हवा का आना अशुभता को दर्शाता, सामने से आओ, बैक से नहीं। जिस मकान में जहां कहीं भी तीन या उससे अधिक दरवाजे एक सीध में हो तो उस सीध के बीच में कभी भी बैठकर नहीं पढ़ना चाहिए, बच्चे की सेहत ठीक नहीं रहती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। आपके कमरे में, बच्चों के पढ़ने के कमरे में बीम या दुछत्ती है तो उसके नीचे भी बैठकर नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, मेंटल डिप्रेशन बना रहता है, एंजाइटी बनी रहती है अगर बीम के नीचे पढ़ रहे हैं तो। कंप्यूटर का यदि उपयोग करते हैं तो आग्नेय से दक्षिण व पश्चिम के मध्य कहीं भी कंप्यूटर रख के आप पढ़ सकते हो। ईशान कोण में कभी भी कंप्यूटर नहीं रखना चाहिए और हमेशा अपनी स्टडी टेबल पर उत्तर पूर्व कोने में, नॉर्थ ईस्ट कोने में एक पानी का गिलास अवश्य भर के रखना चाहिए। टेबल के सामने या पास में मुंह देखने वाला आईना नहीं हो, गिलास नहीं होना चाहिए, पढ़ रहे हैं और सामने गिलास है तो हम खुद को निहारते रहेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगे, तो टेबल के सामने गिलास नहीं होना चाहिए, दाएं बाएं भी गिलास नहीं होना चाहिए। अध्ययन कक्ष में सोना मना है, स्टडी रूम में बेड नहीं होना चाहिए, सिर्फ टेबल कुर्सी होनी चाहिए, पलंग गद्दा रजाई आदि नहीं होनी चाहिए, सोते समय सिर पूर्व दिशा में रखें ज्यादा अच्छा है। बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो तो टेबल पर एजुकेशन टावर लगा दीजिएगा, बच्चों की कंसंट्रेशन में वृद्धि होगी। और एक बात विशेष तौर पे, डोंट डू स्टडी ऑन द बेड, बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करना, टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करना। एक चैप्टर अगर आप बिस्तर में बैठ के याद करते हो 5 घंटे में याद नहीं होगा, और टेबल कुर्सी पे बैठ के याद करोगे तो मात्र 15 मिनट में चैप्टर याद हो जाएगा। सुबह गायत्री मंत्र बोलना, रात को सोने से पहले गायत्री मंत्र बोलना, इनसे कंसंट्रेशन बढ़ती है। स्फटिक का गोला उत्तर दिशा में लटका दीजिए, उससे भी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। नवरत्न का पौधा आता है वो भी बच्चों के कमरे में नॉर्थ डायरेक्शन में लगा दो तो बच्चों में कंसंट्रेशन में वृद्धि होगी। ग्लोब रखो, बच्चों के पढ़ने की टेबल पे ग्लोब रखो और जब भी दिन में 3-4 बार उस ग्लोब को घुमाते रहो तो बच्चों की कंसंट्रेशन में वृद्धि होती है। पिरामिड का जल अगर बच्चों को पिलाया जाए तो सेहत भी ठीक रहती है, पढ़ने में मन भी लगता है, कंसंट्रेशन में वृद्धि होती है, एंजाइटी के अंदर कमी होती है। प्रतिदिन तुलसी के 11 पत्तों का रस मिश्री के साथ देने से बच्चों की स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, याद रहता है, पढ़ा हुआ याद रहता है, भूलने की प्रवृत्ति से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन 11 तुलसी के पत्तों का रस मिश्री के साथ बच्चों को दीजिए, निश्चित तौर पे बोर्ड एग्जाम के अंदर पढ़ा हुआ याद रहेगा और अच्छे नंबरों से पास होंगे। परीक्षा भवन में मानसिक संतुलन का कारक है चंद्रमा। चंद्रमा का मजबूत होना आत्मविश्वास बढ़ाता है। सफेद वस्तु का सेवन करने से, दान करने से, भगवान शिव का दर्शन करने से, शिव चालीसा पढ़ने से, कनिष्का उंगली के अंदर चांदी का छल्ला पहनने से, चांदी के गिलास में पानी पीने से चंद्र मजबूत होता है, और चंद्र मजबूत होता है तो उसका प्रभाव मन के जीते जीत, मन के हारे हार, तो चंद्रमा मजबूत है तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों को झूमेगी। परीक्षा वाले दिन कपड़े पहनते समय शर्ट हो या पैंट हो, अपना दाहिना हाथ या दाहिना पांव शर्ट या पैंट के अंदर पहले डालना चाहिए। समझ गए, शर्ट पहनो तो दाहिना हाथ पहले, पैंट पहनो तो दाहिना पांव पहले, इस तरीके से पहनना चाहिए। और परीक्षा देते जाते समय 1/2 किलो या 1 किलो दूध किसी भी मंदिर में दान देने से उस दिन जो पेपर आएगा वो आपको पूरा
याद होगा और उस पेपर में 100 में से 100 नंबर आएंगे। और माता पिता के लिए विशेष तौर पे जब बच्चे घर से निकले, थोड़ा सा मीठा दही या गुड़ खाकर घर से निकले, निश्चित तौर पे बच्चों को पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही बच्चों को बोर्ड एग्जामिनेशन में जाना चाहिए। प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। छोटे छोटे से उपाय हैं, यदि आप इन उपाय को फॉलो करेंगे, इन रेमेडीज को फॉलो करेंगे, निश्चित तौर पर बच्चों के अंदर जो ये एंजाइटी लेवल जो बढ़ा हुआ है रहता है, बोर्ड एग्जामिनेशन हो, कंपटीशन एग्जाम हो, उस एंजाइटी लेवल से उनको मुक्ति मिलती है। तो छोटे छोटे से रेमेडीज अपनाइएगा। सभी बच्चों को आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि इस वर्ष आप अच्छे नंबरों से पास होंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। अग्रिम शुभकामनाएं। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।